हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी जो है मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, हमारे साथ है रिद्धिमा पंडित मैम जो कि बिग बॉस में आ चुकी है, तो अभी मैं दिखा देता हूँ। अभी हमारे साथ है रिद्धिमा मैम। और मैम, हाउ आर यू? वेरी वेल, वेरी वेल। वुड यू लाइक टू से समथिंग टू माय ऑडियंस? आई वुड लाइक टू से दैट यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल व्लॉग। इस मोड़ पर हम मिले हैं, ना जाने अब मिलेंगे हम। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और मैम अभी आई है अपने जिम से, तो अभी जा रही है। देखो गाइस, ये रिद्धिमा मैम से मिलने का कुछ भी प्लान नहीं था मेरा, या उस दिन कुछ लिटरली पता नहीं था कि मैं व्लॉग करने वाला हूँ। लेकिन जब व्लॉग किया मैंने तो वहाँ पर ही था, मैं वहाँ से स्टार्ट कर दिया जब रिद्धिमा मैम मिली। अब इसके बाद जो है कुछ मिल रहा नहीं था, तो फिर मुझे पता चला एक जगह पे भारती मैम है, तो मैं वहाँ पर चले गया। और वहाँ पर जाने के बाद जो उनका शूट चालू था, तो मैंने वहाँ पर जो है रिकॉर्ड नहीं किया है, बट जब मैं उनसे मिला तो मैंने थोड़े बहुत जो है फोटोज लिए थे, तो वही आपको सब मैं फोटोज दिखाता हूँ। उसके बाद जो है वहाँ से मैं चले गया था बालवीर के सेट पे, तो वो वाला पूरा दिखाने वाला हूँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वाले वीडियो में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। तो चलिए आपको अभी दिखाता हूँ। मुसाफिर तो एक बार फिर तू हंस के जरा देख ले मेरी इन आँखों में मैं कैद कर। अभी फिलहाल गाइस मैं आ चुका हूँ बालवीर के सेट पे, और यहाँ पर जो है ना भाई साहब बहुत ज्यादा मुश्किल से घुसने मिला है अंदर, तो यहाँ पर सारे सेट बताने वाला हूँ अच्छे से अच्छे सबके सब। अभी तो ऐसे ऐसे सेट बताने वाला हो ना, तो उसके लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। अभी तक नहीं किया है तो अभी देखो सेट मैं पूरा बताने वाला हूँ बालवीर का। तो ये देख सकते हो यहाँ पर पूरा कैसा ये सब रखा हुआ है, और जो है ये पूरा यहाँ पर पूजा सामग्री भंडार मतलब दुकान जो रहता है वैसा है। और यहाँ पर पूरी मिठाई विठाई जो है रखी हुई है, तो कुछ सेट ऐसा है देख सकते हो। और ये पूरा रतलामी सेव भंडार ऐसा पूरा मतलब बनाया हुआ है, तो ऐसा प्रोडक्शन रहता है। और ये साड़ी की शॉप्स है श्री हरि साड़ी जन, तो बहुत ज़्यादा ऐसी मेहनत लगती है शूट में। तो यहाँ पर अंकल है, अंकल आप यहाँ पर काम करते हो ना, तो यहाँ पर मतलब कितनी मेहनत लगती रहेगी शूट में, बहुत ज़्यादा ना। तो भाई एक लाइक कर दो उसके लिए। ये पूरा देखो यहाँ पर, ये क्या अंकल? अच्छा, ये दोनों भाई का है, ये बड़े भाई का, ये छोटे भाई का। तो ऐसा पूरा सेट बनाया हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है और बहुत ज्यादा लफड़े भी होते रहते हैं भाई, कि अगर थोड़ा गलत हुआ तो बाहर लाइटिंग वेटिंग का सब करना पड़ता है, तो इट्स नॉट इजी। और यहाँ पर ये देख सकते हो, अभी अंदर जाके और दिखा देता हूँ मैं पूरा। तो यहाँ से अभी ऊपर जा रहा हूँ मैं, तो ये देखो और कैसा सीन है ना यहाँ पर भाई, कुछ बोल नहीं सकते। तो यहाँ पर ऐसा है पूरा ऊपर से रखा हुआ है, और ये जो है पूरा यहाँ पर सेट का सीन चालू है देख सकते हो। वो लक्ष्मी निवास है, उसके अंदर मैं गया था तो शूट चालू है। ये ऊपर ऊपर पूरा देख सकते हो, लाइट है लगाया हुआ है अंदर। तो ये देखो भाई साहब, मतलब इट्स नॉट ईजी। हाँ अभी अंधेरा आ रहा है उसके लिए सॉरी, लेकिन गाइस देखो इतना शूट कर रहा तो सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हो ये राजू पान हाउस है, यहाँ पर मतलब ऐसी ऐसी शूटिंग होती रहती है, ऊपर लाइटिंग वेटिंग लगी हुई है। सामने से भाई लोग आ रहे हैं, अंदर जो है शूटिंग चालू है। ये गुप्ता किराना स्टोर है, तो ऐसे ऐसे मतलब पूरे सेट रहते हैं। यहाँ पर माता जी का मंदिर है, तो माता जी फटाफट से 1000 सब्सक्राइब करा दो मेरे, मैं आपसे मतलब एकदम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आप भी जो है फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अंदर के सेट भी दिखाने वाला हूँ तो रेडी। अब ये देखो गाइस, ये जो मैंने बोला ना कि मैं अंदर का सेट दिखाने वाला हूँ, तो जब मैं अंदर गया तो वहाँ पर लाइव शूट चालू था, और लाइव शूट के बीच में मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ना ही अपना ब्लॉग कर पाऊंगा बरोबर से। इसके लिए जो अंदर जाके सिर्फ मैं देख के आया कि कैसे शूट होता है, तो वो मैं जो आपको नहीं बता रहा हूँ अभी। और जो मैंने आपको रिद्धिमा पंडित मैम से मिला, उसके बाद जो है डायरेक्ट आ गया था मलाड में, वहाँ पर ही मुझे भारती मैम सब मिले थे। तो भारती मैम मिलने के बाद मैंने फोटोज वोटोज लिए थे, उनका भी लाइव शो चालू था जो अभी आने वाला है इंडियन गेम प्ले, तो उसके लिए मैंने वहाँ पर भी शूट नहीं किया, फोटोज लिए जो अभी आपने देखे। और फिर जो है बालवीर के सेट पर आ गया था, तो वो सब। अब ये बालवीर के सेट से जो है मैं डायरेक्ट चले गया था दूसरी जगह पे, और वहाँ पर भी जो है लाइव शूट चालू था। वो शूट कौन सा था, एक शूट की सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, ऐसे कुछ सीरियल्स आते हैं, तो वो सारे शूट जो है उस दिन मैंने सब अपने आंखों से लाइव वाले देखे। मतलब लिटरली इतनी खुशी मिली ना कि फर्स्ट टाइम मैं सब ये सब देख रहा था। तो अभी जो है वो एक शूट की सिंदूर वाली जो वीडियो है, मतलब लाइव शूट थी, उसकी थोड़ी क्लिप है मेरे पास, तो वो आप लोग देख लो। तो गाइस अभी जो आपने ये शूट देखा ना, ये छोटी मोटी क्लिप जो है मेरे पास थी,
तो मैंने आपको ये बता दी। उस दिन लिटरली कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं क्या शूट कर रहा हूँ और कहाँ पर हूँ। मतलब जो है मैं सुबह सुबह जो है घर से निकल गया था और फिर मैं वहाँ पर गया, रिद्धिमा मैम मिली, भारती मैम मिली, अलग अलग जगह पे जाके जो है पूरा दिन वेट मतलब गया मेरा। 10 बज गए थे घर पे आते आते, और फिर जो है मेरी वीडियो कुछ ऐसी बनी। बहुत सारे लोग से मिला लेकिन उनके साथ फ़ोटो नहीं ली, हाय हेलो हुआ, तो वो मतलब मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आई। बाकी सारे शूट जो देख के मतलब अलग लेवल का, कि फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ना मैं कैसे से शूट होता है सब, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए। और आप सभी को मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे है, और जो बालवीर के सेट जहाँ पर मुझे शूट करने मिलता है मैं शूट करता हूँ, आपको बताता हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो इतना ही रखते हैं, हम डायरेक्ट मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए हाँ, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो, फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो ये वाले वीडियो को, साथ ही साथ जितना हो सके उतना शेयर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग, जब तक के लिए बाय।